भारतीय जनता पार्टी, अभिसार शर्मा कह रहे हैं कि आज वह हार गई है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो मात्र 150 सीटों पर लड़के 105 सीटें जीतती है और वो सत्ता से बाहर है, क्योंकि उसकी अलायंस पार्टनर जिसने देवेंद्र फडणवीस के नाम पे 56 सीटें जीती है, वो आज सबसे कम सीट पाने वाली कांग्रेस जो 44 सीटों पर है उसके साथ राकपा का गठबंधन करके वो सरकार बनाने जा रही है। और हार बीजेपी गई है, हारी तो महाराष्ट्र की जनता है जिसने 150 सीटों में से 105 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी को दी थी। ये कमाल का है, यानी 70% का स्ट्राइक रेट वाली पार्टी आज सत्ता से बाहर है और आप कह रहे हैं कि बीजेपी हारी है, राष्ट्रपति की हार है, गवर्नर की हार है और ये डेमोक्रेसी बचा रहे हैं। ये कमाल है भाई साहब, आप सालों से यही कर रहे हैं, 1969 से ये कर रहे हैं। डेमोक्रेसी कभी खतरे में नहीं रही, इमरजेंसी लगा दी, डेमोक्रेसी कभी खतरे में नहीं रही। इस देश का विभाजन अगर धर्म के आधार पर हुआ और मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया है तो जो बचा है वो हिंदुस्तान हिंदुओं का है, इसलिए इस देश को हम सेकुलर नहीं मान सकते। और अगर ये कुछ आया है प्रियम्बल के बारे में, उसमें से सेकुलर शब्द डिलीट हुआ है तो हमेशा के लिए डिलीट होना चाहिए। ये देश का संविधान सेकुलर शब्द से ही जुड़ा है। इस देश में जो भी काम होता है आज भी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, वो जात और धर्म को देखकर नहीं कोई काम करता। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। घंटा मेरे वीडियो पे मास रिपोर्टिंग करोगे? मेरे वीडियो को डिसलाइक सेक्शन बढ़ा करके क्या साबित करना चाहते हो? अभिषेक तिवारी डर जाएगा। घंटा एक और बात, हाँ मैं बीजेपी समर्थक हूं, हाँ मैंने बीजेपी के समर्थन में वीडियो बनाई है, तो आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिषेक तिवारी की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। आप कांग्रेस को सपोर्ट कर सकते हैं, लेफ्ट को सपोर्ट कर सकते हैं, मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकता। कमाल का लॉजिक देते हैं आप लोग। और क्या भ्रष्टाचारी, 2G हम किए, कोल स्कैम हम किए, आदर्श स्कैम, कारगिल के जवानों का घर चुराने वाले नैतिकता का ज्ञान देंगे? वामपंथी मुझे यह समझाएंगे कि क्या धर्म पालना है, क्या धर्म मानना है, क्यों कौन सा नहीं मानना है? इकोनॉमिक क्राइसिस है, क्यों? कांग्रेस के टाइम में इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं थी। मोदी वादों को पूरा नहीं कर रही है, क्यों? मोदी ने 370 नहीं हटाया, मोदी ने राम मंदिर के वादे नहीं पूरे किए। मैंने नरेंद्र मोदी को जिस चीज के लिए वोट दिया था, मोदी सरकार वही काम कर रही है। अभी मोदी सरकार एनआरसी लागू करेगी, मैंने यही काम किया था कि भाई इन ये जितने बांग्लादेशी फेक वोटर हैं इन सबको लात मार के बाहर निकालो, इसीलिए वोट किए थे। कर रही है वो काम, जल्दी ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आई है। जो तुम जनसंख्या जिहाद पे उलझे हुए हो ना कि मेरा तबका फिर से 35% हो जाएगा तो भारत देश को तोड़ देंगे, ये सपना भूल जाओगे। और मिर्ची तुमको इसी बात की लग रही है कि मोदी सरकार तो वो कामों को कर रही है जो इस देश में आज तक 70 साल में किसी सरकार ने करने की हिम्मत नहीं की। हमारे प्रोपोगेंडा में, हमारे दबाव में ये आज तक सरकारें जो है चुप थी, हमसे डरती थी, क्योंकि हम वोट बैंक है, सबसे बड़े टैक्टिकल वोटर है। अभिषार शर्मा, आज तुमको प्रजातंत्र डेंजर में नजर आने लगा, आज तुमको यह लगता है कि अमित शाह की हार हो गई है। पहले एक सेकंड के लिए कुछ सुनाता हूं और दिखाता हूं, देखो इसको और समझो जरा, ये रातों रात जब हुआ था किसकी सरकार थी, कौन से लोग थे, क्या वो लोग उसके समर्थक, उसकी आइडियोलॉजी वाले आज भी उस पार्टी में नहीं है? हैं, बेशक हैं। फिर तुम किसकी बात करते हो, सुनो पहले। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, कई मुद्दे जुड़े हुए हैं दोस्तों। मुद्दा नंबर एक, मीडिया ने, भारतीय जनता पार्टी की समर्थक शक्तियों ने जो लगातार बीजेपी के कुछ धुरंधरों को चाणक्य बताकर एक हवा बना दिया था, आज उसकी हार हुई है।
मीडिया ने जो लगातार प्रोपेगेंडा चलाया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तमाम नकारात्मक चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताया, जिसमें वो खरीद फरोख करते हुए दिखाई दे रहे थे, उसकी हार हुई है। ये हार हुई है। राज्यपाल ने जिस तरह से अपने ऑफिसेस का, अपने पद का दुरुपयोग किया, ये हार हुई है राष्ट्रपति पद की भी, क्योंकि रातों रात बिहार में लालू प्रसाद यादव की जगह राबड़ी देवी जब सीएम बनी थी, कौन सा प्रजातंत्र था? अनपढ़ गवार को जब सीएम बनाया था तो कौन सा डेमोक्रेसी से था? रातों रात प्रेस की लाइटें काट दी गई, रातों रात जेल में डाल दिया गया जर्नलिस्ट को, कौन सा डेमोक्रेसी था? आप बात कीजिएगा, आपसे नैतिकता का बात होगा, क्या बात करते हैं महाराज? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को मेजॉरिटी मिली थी, कौन सी डेमोक्रेसी के तहत गिराई गई थी? कौन सी डेमोक्रेसी के तहत एक वोट से गिरी थी सरकार? और तब भी बोला था कांग्रेस पे लोग आने वाले सालों में हंसेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था, कौन सी डेमोक्रेसी थी? इसी शरद पवार ने अपने ही चाचा को धोखा देकर के कांग्रेस में जब शामिल हुए थे 1979 में, कौन सी डेमोक्रेसी थी? कौन सी डेमोक्रेसी थी? यही बिहार सरकार में 2005 में राज्यपाल अचानक रातों रात बाहर चले गए थे, कौन सी डेमोक्रेसी थी? आप जब करेंगे तो डेमोक्रेसी ठीक है, हम वही काम करें तो डेमोक्रेसी अंदर थ्रेट नजर आता है। नैतिकता, निष्ठा सब जो है अपनी पार्टी को लेकर के समर्पित है, यहां निष्पक्ष कोई नहीं है। निष्पक्षता की बात करोगे चप्पल निकाल के मारेंगे, कोई निष्पक्ष नहीं है। रवीश कुमार निष्पक्ष है और तुम अभिशार शर्मा क्या बात करते हो निष्पक्षता की? तुम्हारा जो न्यूज क्लिकिंग इन है, जिसपे तुम ये वीडियो लेकर के आते हो, ये रोहिंग्या बसा रहा है कश्मीर में, कश्मीरी पंडित नहीं बसे हैं एक भी, 60,000 रोहिंग्या बसे और 60,000 पैदा होने को नए तैयार हैं। ये कौन सी डेमोक्रेसी है भाई? कौन सी डेमोक्रेसी है? तुम बात करोगे, तुम डेमोक्रेसी की बात करोगे, तुमसे डेमोक्रेसी की बात हो पाएगा? ये जेएनयू के छात्र कह रहे हैं ब्राह्मण बाहर निकलो देश से। अभिशार शर्मा तू खुद ब्राह्मण है, क्यों नहीं बाहर निकल जाता? राहुल गांधी तो स्वयं जनेऊधारी ब्राह्मण है, निकालिए बाहर। और ब्राह्मण को बाहर निकालेंगे, रोहिंग्या और बांग्लादेशी को बसाएंगे। ये है, ये डेमोक्रेसी है इस देश की? कौन सी डेमोक्रेसी है? हजार सालों का शासन, हजार सालों तुम्हें तो ब्राह्मण थे ही नहीं भाई, जरा निकाल लो ना, चोल साम्राज्य निकाल लो, चालुक्य साम्राज्य निकाल लो, गुप्ता डायनेस्टी निकाल लो, मौर्य डायनेस्टी निकाल लो, सोहेल देव समाज निकाल लो, विजयनगर साम्राज्य निकाल लो, कौन ब्राह्मण? उसके बाद मुगल आए, इस्लामिक शासन आया, स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद मुगल डायनेस्टी, कहां? उसके बाद तो अंग्रेजों के गुलाम रहे हो तुम, ये तो सर्टिफाइड है ना, ये तो इतिहास में है, फिर कौन सी गुलामी? और किसको बाहर निकालोगे? जो आखिरी वैदिक चीज मिली है वो 2,500 पुरानी है साल। एक तो जो ऋग्वेद की ऋचाएं मिली है वो 3,500 साल पुरानी है। अब तुम ये बताओ, 3,500 साल पहले हमारा अस्तित्व था, किसका अस्तित्व था? यहां ईसाई पैदा हुए थे, यहां मुसलमान पैदा हुए थे, ये कहां से आ गए? कौन है जरा बताओ तो सही, तुमसे डेमोक्रेसी की बात होगी? इस देश में दुनिया का सबसे पहला डेमोक्रेसी पाटलिपुत्रा से स्टार्ट हुआ था ना, वो कौन से लोग थे डेमोक्रेसी देने वाले? यही आर्यन जिनको तुम बोलते हो, यही सिविलाइजेशन के लोग थे ना तुम्हारे हिसाब से? कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हो यार? मुझे तो समझ में नहीं आता। अब बताइए अभिशार शर्मा जी, बीजेपी अजीत पवार को तोड़ करके अगर सरकार बना रही है तो डेमोक्रेसी अंदर थ्रेट? अरे बाप रे बाप, भयंकर हो गया। कांग्रेस जो चौथे नंबर की पार्टी है, जिसको महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया, पूरे देश की जनता लगातार नकार रही है, वो कह रहे कि हमारे पास अब मेजॉरिटी नंबर है, हम बनाएंगे। ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि दो अलायंस जो साथ में लड़ी थी वो प्री अलायंस टूटा है पोस्ट इलेक्शन, और उसमें से शिवसेना ये बोल रही है कि भाई साहब हम सरकार बनाएंगे। पूरे कैंपेन के दौरान एक बार भी वोट में
उद्धव ठाकरे के नाम पे वोट नहीं मांगा गया, वोट मांगे देवेंद्र फडणवीस के नाम पे। तो सरकार बनाने का हक किसको था? देवेंद्र फडणवीस को था, बिल्कुल था, चाहे किसी भी तरह से बने। आपने हमेशा सरकारें चाहे किसी भी तरह से बनाई है, आप हमको ज्ञान नहीं दे सकते। हम वही करेंगे जो आपने किया है, आप उस टॉपिक पे तो मुझे ज्ञान नहीं दे सकते। भूल गए गोवा में कैसे सरकार बनाए थे? उसी तर्ज पे हमने गोवा में सरकार बनाई, तो डेमोक्रेसी अंदर थ्रेट। मैंने मियां की जूती मियां के सर पे मारना शुरू किए तो डेमोक्रेसी अंदर थ्रेट, कांपने लगे। अरे कांप कह रहे हो, अभी तो लिए ही नहीं है कहके, अभी तो लेना शुरू किए हैं। और अभिसार शर्मा, ये तुम्हारी पूरी न्यूज क्लिकिंग इन आतंकवादी बुरहान वानी के अब्बा का इंटरव्यू जब दिखाता है, डेमोक्रेसी अंदर थ्रेट नहीं होता? नहीं क्यों दिखाओगे तुम उसका इंटरव्यू? तुमने बुरहान वानी ने जिस जवान को मारा उसके परिवार की हालत दिखाई? पूछी उससे बात? क्यों नहीं पूछी? तुम क्यों आतंकवादी के बाप उससे पूछोगे? जो बाप अपने बेटे को आतंकवादी बनने से ना रोक सका, वो देश में मैसेज देगा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसका ज्ञान हम लेंगे? क्या बात करते हो यार, क्या बात करते हो यार। तुम लोगों के दोगलापन से तो साला पूरा सृष्टि परेशान हो गया है। तुम लेफ्ट लिबरल, कभी लिबरल रहे हो? इस देश में लेनिन के नारे लग रहे हैं, इस देश में स्टालिन के नारे लग रहे हैं। डेमोक्रेटिक देश में हजारों लाखों लोगों को मरवाने वाला माओ के नाम पे पार्टी बन रहा है। तुम लोग डेमोक्रेसी की बात करोगे और हम डेमोक्रेसी तुमसे सीखेंगे? जय श्री राम दोस्तों, सही जगह पे लात पड़ा हो ना, वीडियो शेयर कीजिएगा। और तेवर ऐसे ही बनाए रखते हैं, घंटा फर्क नहीं पड़ता मास रिपोर्टिंग से, कुछ नहीं कर सकते। और जिसको परेशानियां मिलने आके अभिषेक तिवारी से।